नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वैदिक विज्ञान और सांस्कृत महाकुंभ में शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए। आज हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। करीब 10 बजे पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर विशेष पुलिस बल तैनात किया है। साथ ही कार्यक्रम स्थल और सभी चौक चौराहे पर विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। हरिद्वार में कांग्रेस के आजादी से पहले के बने महानगर कार्यालय के मामले पर अब कांग्रेस सरकार सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर कोतवाली का घेराव करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनके कार्यालय को जबरन खाली कराया गया है। जो लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने बताया कि कांग्रेस को धोखे में रखकर उनके कार्यालय पर कब्जा किया गया है, जो किसी तरह से उचित नहीं है। उन्होंने इसके खिलाफ शहर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है और उनकी मांग है कि यदि उन लोगों के खिलाफ जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस और भी उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। कांग्रेस कार्यालय में अनैतिक रूप से कब्जा करना ये गलत बात है। हम सम्मान न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय से हमारे पास नोटिस आता या हमें सूचना होती तो हम अपने आप कोशिश करते हुए न्यायालय का आदेश से चाबी दे देते, लेकिन ताला तोड़ना और हमारा सामान इधर उधर खुर्द बुर करना ये जघन्य अपराध है। पिछले 6 दिनों से गैर बारम गांव में चल रहे 10 दिवसीय पौराणिक भूयाल देवता दिवकाज आयोजन के सप्तम दिवस के कार्यक्रम में रेई गांव के भूमियाल देवताओं के द्वारा नेरखेर यानी कि जंगल का पवित्र धूप लगाया गया और ग्राम पंचायत नामतौल में गैरा बारम गांव भूमियाल देवताओं का मिलन और नामतौल ग्राम पंचायत द्वारा रेई और गैरा बारम के भूमियाल देवताओं का स्वागत सत्कार किया गया। उसके उपरांत गैरबारम और रेई के भूमियाल देवता ढोल दमऊ के थाप के साथ विशाल तीर्थ यात्रियों के साथ गैरबारम भूमियाल देवता मंदिर प्रांगण में पहुंचे, जहां पर समस्त ग्रामवासियों के द्वारा रेई के भूमियाल देवता का फूल मालाओं और भूमियाल देवता की पारंपरिक टोपी के साथ स्वागत किया गया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में 23 सितंबर 2022 की रात्रि जेसीबी से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर दीपक ने आज कोटद्वार कोर्ट में अपनी अहम गवाही में बताया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया। पहले तत्कालीन एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई। उसके बाद मध्य रात्रि 1 बजे स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने जेसीबी को दोबारा बुलवाकर अंकिता के कमरे समेत 2 कमरों को विशेष तौर पर आदेश देकर तोड़वाया। जेसीबी ऑपरेटर के बयानों के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने मुख्यमंत्री धामी से विधायक रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द कराकर रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद कुमार को अंकिता केस में साक्ष्य मिटाने का आरोपी बनाने की मांग की है। साथ ही अन्य मांग न माने जाने पर पौड़ी कलेक्ट्रेट अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने पहाड़ के लोगों से बेटी की अस्मिता बचाने और सरकार से अपने रोजगार के हक मांगने के लिए आगामी 24 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली मूल निवासी स्वाभिमान महारैली का सफल बनाने की अपील की है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन वितरण आयोजन हड़ताल की भेंट चढ़ने वाली है।
सरकार से मानदेय और कमीशन की मांग को लेकर राशन डीलर 1 जनवरी से सभी राशन डीलरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मैंगलोर कस्बे में ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन हरिद्वार द्वारा मैंगलोर कस्बे में जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर हड़ताल का फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ 16 जनवरी को संसद घेराव भी करेंगे। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से राशन वितरण का कार्य पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से विक्रेताओं द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, जिसे सरकार और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय विभाग द्वारा हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने शीघ्र ही विक्रेताओं को मानदेय दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही कोरोना काल में वितरित किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लंबित धनराशि का भुगतान जल्द किए जाने की भी मांग की है। राशन डीलरों के हड़ताल पर जाने से लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छुट्टियों के मौसम की शुरुआत करते हुए वाइल्ड लाइफ SOS ने अपने हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र और आगरा भालू संरक्षण केंद्र में रह रहे भालू और हाथियों के साथ क्रिसमस मनाया। इस दौरान इन हाथियों और स्लॉट भालू दोनों के लिए एक अनोखा उत्सव मनाया गया, जो कि इन जानवरों की भलाई के लिए वन जीव संरक्षण संस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र में निवासी हाथियां संजय, ताज, तारा, लक्ष्मी और परी को फ्रूट फिस्ट दिया गया। विशेष रूप से तैयार किए गए क्रिसमस स्टॉकिंग्स को हरे चारे, मूंगफली, केले, पपीते, तरबूज और गन्ने से भरा गया। पॉपकॉर्न से भरी एक और स्टॉकिंग ने हाथियों के लिए इस उत्सव को और विशेष बनाया, जिसे शांता क्लॉज के रूप में तैयार केंद्र के कर्मचारियों ने उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। आगरा में थाना मलपुरा पुलिस और SOG की संयुक्त कार्रवाई हुई। वहीं पुलिस की लुटेरों और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई। साथ ही पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई DCP पश्चिम सोनम कुमार के नेतृत्व में हुई है। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। वहीं 3 बदमाश मौके से भागने में सफल रहे। फरार बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। कार्रवाई में थाना अध्यक्ष मलपुरा ईश्वर सिंह तोमर मौजूद रहे। आज दिनांक 23/12/2023 को मलपुरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिन पूर्व नगला बसुआ के पास घटित लूट की घटना कारित करने वाले आरोपी पथौली नहर से मलपुरा की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम वहां पर चेकिंग के लिए पहुंची, तो चेकिंग के क्रम में अभियुक्त गन द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात फायर किया गया, जो एक अभियुक्त के बाएं पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान निजाम पुत्र शकील के रूप में हुई है और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। भेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने शातिर बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से 1 तमंचा, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, 1 स्कूटी, 13 पीतल के छोटे बड़े घंटे बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीती देर रात थाना अलीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ईदगाह रोड सरौठा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्कूटी देखकर उसे रोकने का प्रयास किया गया। स्कूटी सवार शातिर बदमाश ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिससे शातिर बदमाश माजिद के पैर में गोली लगने से वो गिर गया। पुलिस मुठभेड़ में दिल्ली बदरपुर बॉर्डर निवासी माजिद हाल निवासी गंजडूरा जनपद कासगंज को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। आज थाना अलीगंज पुलिस इंस्पेक्टर अलीगंज और उनके टीम मुखबिर की सूचना पे चेकिंग कर रही थी और कस्बे की तरफ से एक स्कूटी पे एक व्यक्ति आया और रुकने का इशारा करने पर उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ, जिसका नाम माजिद है और ये अलीगंज में पिछले 4 दिनों में छोटे छोटे मंदिरों से घंटे चोरी कर रहा था और इस मामले में वांछित चल रहा था। इसकी आज गिरफ्तारी की गई। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं और इस पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 का इनाम जो है पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया।
निदेशालय लखनऊ और उत्तर प्रदेश समन्वय से प्रदेश स्तरीय अंतर मंडलीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 22 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023 तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय द्वारा मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 18 मंडल सहित कुल 20 बालिकाओं की टीम प्रतिभाग कर रही है। और आज मैं ध्यानचंद स्टेडियम आई हूँ, वहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुरेश सर का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि इतने अच्छे कार्यक्रम में इनवाइट किया। तो धन्यवाद सुरेश सर आपका। और ये जो मैच है ये बालिकाओं का है, प्रदेश स्तरीय जूनियर बालिकाओं का हॉकी प्रतियोगिता चल रही है वहाँ पे 22 से 27 दिसंबर तक। आप सभी भी वहाँ पे आ सकते हैं देखने के लिए। सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पिसवा में वंचित 25,000 का इनामिया मंटर उर्फ सियाराम पासी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पास से एक अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, साथ ही एक मोबाइल भी मिला है। अपराधी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। झांसी जिले के सरकारा थाना क्षेत्र में रहने वाला 45 वर्षीय राम प्रसाद कुशवाहा खेती और मजदूरी करता था। उसका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। राम प्रसाद खेती और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। बेटे राजकुमार और परिवार के सदस्यों के मुताबिक राम प्रसाद का चिंटू नाम का एक व्यक्ति जिगरी दोस्त है। 10 दिसंबर को राम प्रसाद के नाती का घर में 10 टोन कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए चिंटू भी बिना बुलाए पहुंच गया, जहां उसने कार्यक्रम के दौरान मृतक की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने लगा। परिजनों ने जब ये देखा तो उन्होंने ऐतराज जताया और उसे वहां तुरंत धुतकार कर भगा दिया। इस बात को लेकर चिंटू स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था, जिसका उल्हाना अगले दिन उसने दिया था। शुक्रवार को मृतक खेत पर गया हुआ था। परिजनों का आरोप है कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए चिंटू ने खेत पर पहुंचकर राम प्रसाद पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी होते ही परिवार में रोना बिलखना शुरू हो गया। घटना की जानकारी होते ही थाने की पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। बिजनौर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को युवती की मां और ग्रामीणों ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। सूचना पर पहुंचे युवक के परिजनों की सहमति से प्रेमी युवक और युवती को फेरे लगवा दिए गए। वहीं विदाई के दौरान युवक के परिजनों ने युवती पर नाबालिग बताते हुए दुल्हन को ले जाने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी रही। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाना नूरपुर के मुरादाबाद रोड इलाके के एक गांव का है। वहीं नूरपुर कोतवाल से मामले की जानकारी ली गई तो मोबाइल से संपर्क नहीं हो पाया। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौनी थाना क्षेत्र में दबंगों ने महिला और उसके परिजनों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों घायलों का मेडिकल करवाया है। थाना क्षेत्र के ललौरी कस्बे में नूरगंज मोहल्ले की रहने वाली सबीना खातून ने ललौली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस के रहने वाले दबंग किस्म के निसार अली और हलीम अली पुरानी खुन्नस के चलते शराब पीकर दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे थे। उसने गाली गलौज का विरोध करने पर निसार अली, हलीम अली और उसके भाई यशीन अली, सलीम अली अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिसमें महिला और उसके परिजन घायल हो गए। ललौली पुलिस ने तीनों घायलों को मेडिकल करवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जाँच कर कार्रवाई की जा रही है। अपनी मां के तानों से तंग आकर 16 वर्षीय लड़की ने खुदकुशी कर ली। बाद में मृतका की मां अनीता ने विरोधियों को फंसाने और मामले को उलझाने के लिए हत्या का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और तहरीर में नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बाद में पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ कि बेटी ने माँ के तानों से तंग आकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने माँ अनीता को खुदकुशी के लिए उकसाने और झूठे FIR दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। मामला बलरामपुर जिले के पिछपेड़वा थाने क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।
बलरामपुर जिले में स्थित दो राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती की योजना बना रहे अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने समय रहते हुए गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड से गिरोह के सदस्य फिरकी बेचने के लिए शहर में घूमकर बैंक और बड़े प्रतिष्ठानों की रेकी करते थे। रेकी के बाद गिरोह के सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक, बिजलीपुर और सिद्धार्थनगर के विस्कोहर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में डकैती डालने की तैयारी कर ली थी। मास्टरमाइंड के साथ गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से गैस कटर, रिंच, हथौड़ा सहित अन्य सामान बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक नम्रता श्रीवास्तव ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को तुलसीपुर रोड के बिजलीपुर खंडहर से गिरोह के सदस्यों को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आगरा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि आगरा सिविल इनक्लेव बनाने की एक और बाधा पार हो गई है। पर्यावरण विभाग ने एनवायरमेंट क्लियरेंस की एनओसी दे दी है। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नया सिविल टर्मिनल धनौली मार्ग पर प्रस्तावित है। आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का निर्माण जल्द शुरू होगा। आगरा हवाई अड्डा टर्मिनल का मामला 2012 से लंबित पड़ा था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले नई सौगात मिलेगी। फिलहाल हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए वायुसेना द्वारा से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी इशू के कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी के चलते कई एयरलाइंस कंपनी रुचि नहीं लेती है। नए टर्मिनल निर्माण के बाद कई एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइट शुरू होगी। महोबा में खाद की बोरियों में छिपाकर मादक पदार्थ की बड़ी खेप ले जा रहे ट्रक सहित दो तस्करों को झांसी की एएनटीएफ टीम ने पकड़ा है। ट्रक से लगभग 4.5 क्विंटल मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2,18,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नशे के इस कारोबार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। अचंभे की बात है कि स्थानीय पुलिस की इतनी बड़ी तस्करी की भनक तक नहीं थी, जबकि झांसी से आए एएनटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये एएनटीएफ जो हमारी लखनऊ मुख्यालय है, वहाँ की टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक ट्रक जिसका नंबर UP95T3721 जो कि रायपुर से चल करके और महोबा कानपुर की तरफ जा रहा है, उसमें अवैध गांजा होने की सूचना थी। इस पर उनकी टीम एवं श्रीनगर थाने की संयुक्त टीम द्वारा उस ट्रक को पकड़ा गया। एक ट्रक जा रहा था, छतरपुर से आया है और ये महोबा साइड जा रहा था, तो पुलिस को जहां से भी सूचना मिली हुई तो पुलिस मान लो इस ट्रक को पकड़ लाई है। उसमें अगल बगल यूरिया भरा था और बीच में गांजा की बहुत जबरदस्त पैकिंग थी, हमने देखा मौके पर। तो फिलहाल के लिए